यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अरे अस्सलाम वालेकुम यासिर खान साहब, आप वही बाकरेली एनसाइक्लोपीडिया, कैसे हैं जरा? ठीक तो GMU 15 के साथ गाड़ी आ गई है। तो सेवन में बड़ी फेमस दरियाई मछली मिलती है। जिस किस्म की डस्ट पड़ रही है आगे, लास्ट ऑप्शन यही थी, मास्क नहीं मिला। और बिकॉज खाना खाए हुए मिट्टी खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेला लगा हुआ सामने, गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगा हुआ है। सामने प्यारो गोट स्टेशन है, यहाँ पे भी अच्छा खासा रश है। जैसे जैसे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सिंध सीरीज। और आज 16 फरवरी सन 2024 है, सेवन चरी से वापसी है। और बाय रोड जाने की भी एक ऑप्शन है, यहाँ से नवाबशाह तक तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र है। वहाँ से आपको अप और डाउन दोनों साइड्स की ट्रेन मिल जाती हैं। और मैं बेसिकली ट्रेन को प्रेफर करता हूँ, तो मैं इस ब्रांच लाइन पर आज सेवन से रोड़ी तक का सफ़र करूँगा। और 213 अप मोहनजोदड़ो पैसेंजर है, और एस्ट मिलन कंपनी की अंडर इनका जो है कमर्शियल मैनेजमेंट चल रही है। और 10 कोचेज का टोटल इकोनॉमी रेक है। अभी कुछ देर में गाड़ी आने वाली है, तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रोड़ी से फिर आगे जो है वो मेन लाइन पे सफ़र करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कल तो वैसे 214 डाउन के साथ गया था, RG 24 5112 आई थिंक, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वही वापस आएगा, मगर ये तो फ्रैंक हो गया। तो रेक की 2 कोचेस तकरीबन बिल्कुल प्लेटफॉर्म से बाहर हैं, उनमें से जो लास्ट वाली है जो ब्रेक वैन भी है उसमें हमने डेरे डालनी है, और सारी खाली है। एक कैबन, 2 कैबन, 3 कैबन, 4 कैबन, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अरे अस्सलाम वालेकुम यासिर खान साहब, आप वही बाकरेली एनसाइक्लोपीडिया, कैसे हैं जरा? मैं वही हूँ जी। ठीक है, अच्छा बड़ी बात है, मेरे इंट्रो में और आपके इंट्रो में हम तो आए हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी सेवन आए हुए थे? बिल्कुल आए। तो अब कहाँ तक जाएंगे? रोड़ी तक इंशाल्लाह, सक्कर रोड़ी। ठीक, तो मुझे जगह दे देंगे अपने साथ? हाँ पूरी बात तुझ दिया। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया दासाई। पावर रेडी है, और यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप होता है, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह गाड़ी क्लाइम करती है पहाड़ को, तो वहां से फिर जो है यहाँ पर आते ही ब्रेक्स जो है वो पर्टिकुलरली एग्जामिन की जाती हैं सारी। 10 कोचेस का रेक है, और पहली 7 में आवाम बैठी है, आखिर की 3 खाली हैं, जिसमें लास्ट वन जो है ब्रेक वन वो तो बिल्कुल ही एम्प्टी है, जिसमें हमने डेरा लगाया। इंशाल्लाह अब सोते हुए रेस्ट करते एंजॉय करते जाएंगे। अभी गर्मी है यहाँ पे, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब उतनी गर्मी होती है तो फिर यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता बहुत डेंजरस होती है यहाँ की गर्मी। तो डब्बा आ गया है अपना, चलो चलें सपना।
सो दिस ट्रेन इज फुल ऑन कटामेडी एक्सप्रेस, ये चेक करें। बिल्कुल बैक साइड पे ये गोल्डन शाफ जो नजर आ रहा है, ये गुंबद है, सामने सेरेमन शरीफ का गुंबद नजर आ रहा है, और उसी साथ लेफ्ट साइड पे जो आपको ग्रीन कलर और व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है टॉप पे। लाल जो आपने देखा होगा बंद बनाया जा रहा है, केंचर लीक को जब आबादी की तरफ बंद तोड़कर पानी भेजा गया था तो ये सारा एरिया डूब गया था, 12-12 फुट 13-13 फुट पानी यहाँ आ गया था और आबादी जरखेजी सब ले गया था। तो अब पूरी नहर बनाई जा रही है और जो कि केंचर लीक से इस तरफ को थ्रू होगी और होपफुली दोबारा इस तरह का फ्लड इस एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। हो क्या डस्ट है, खान सैयदाबाद वो प्लेटफॉर्म है, उतर के चलते हैं। तो GMU-15 भी अच्छी खासी स्पीड मार रहा है, 1500 HP का लोकोमोटिव है, मगर बता रहा है कि हाँ भाई ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी खुराकें खाई है। सर सब शादाब सारा एरिया नजर आता है आसपास, बड़ी खुशी होती है, किसी दौर में ये सारे एरिया सैलाब की नजर हो गए थे। PLC रिसीव हुई है चलती गाड़ी से, अच्छी खासी स्पीड पे पिक किया ड्राइवर साहब ने। ट्रैक साउंड बहुत ही मजेदार आता है इस सेक्शन में और हैरान को तौर पर यहाँ का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत बनाया है और रिसेंटली बना हुआ सारा ट्रैक नया। लगता ही नहीं है कि ये पैसेंजर ट्रेन है। तो गाइस इतना कटा मिट्टी है कि ये भाई का हाल देखें ऐसे।
और उस डस्ट में तो स्टेशन का पता ही नहीं चला कौन सा है। दादू आया है, दादू का यार्ड दोनों तरफ है, मशहूर दूसरी तरफ भी अल मारूफ दादू, तो सामने बैक साइड पे आपको यार्ड नजर आ रहा है। और ये मुझे खांसी आ रही है। चलो पहला प्लेटफॉर्म है जो जिसपे गाड़ी प्लेस हो गई पूरी। तो डस्ट का ये आलम है कि गर्मी में मैंने ऐसे मुंह छुपाया है डस्ट की वजह से, और अभी बाहर की गर्मी मैं फेस कर रहा था कि अंदर बंदा उबले अंडे बेचने आ गया, और मैं कहा तेरा बेड़ा तार जाए कुछ ठंडे जूस लेके आ। तू बिल्कुल ही उबले अंडे ले आया है। तो खैर इस सेक्शन में पहला प्लेटफॉर्म आ गया जिस पर पूरी गाड़ी प्लेस हो गई दादू, और इसके दोनों तरफ यार्ड है, उस तरफ भी यार्ड है, टर्न टेबल भी था, लेकिन वो डस्ट की वजह से मैं कैप्चर नहीं कर सका। ये रहा गरम अंडे वाला, ये अंडे वाला, अंडे वाला, ये रहा अंडे वाला, सख्त गर्मी में अंडे, ये रहा सूरज। और ये पसीना अभी शुरू होने वाला है और अंदर बंदा अंडे बेच रहा है। दादू का स्टेशन सही खुला डुला है, बड़ा स्टेशन है। नान टिक्की पे रश है सारा। तो दादू से एग्जिट कर रही है गाड़ी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और नन्ना सा रेल फैन बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय माशाल्लाह, भाभी भाभी रेल फैन में है। सारे जाली चिप्स नजर आए हैं मुझे, सारे जाली चिप्स फॉर यू, और ये देखे ना इनकी प्रजाति का ही नहीं पता। अलबत्ता सिंध पुलिस जो रेलवे पुलिस मिले हैं और दो चार स्टाफ के लोग बड़े प्यार से मिले हैं, सिंध में ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि अखलाक प्यार बहुत है। मेहमान नवाजी के नाम पे और भी बड़े शहर मशहूर हैं, मगर जो एक्चुअली मेहमान नवाजी वो सिंध में नजर आई। डॉक्टर अरबाब अली सुमरो, आफ्ताब शिफा खानो, मट्टी का तूफान, ये मेरे ग्लासेस का हाल है, ये फोन का हाल है, ये कैमरे का हाल है। और ये भाई हाल बड़े नाजुक है, बट इस मट्टी और इस मट्टी की खुशबू से प्यार है, क्या करें। ये मट्टी नहीं, ये कटा है, कटा भी है, जो भी है, इस मट्टी और इसकी खुशबू से प्यार है मुझे। बाहर ये भी सैलाब के हालात ही है अभी तक, सेम ज्यादा जमीन है सारी। ट्रैक साउंड बड़ा मजेदार लग रहा है, स्लो स्पीड में गाड़ी, ये वो स्लाइस, हाँ वाजिब, पानी तो है, वरिंदा वरिठा स्लाइस एक ले लेते हैं, बस पानी तो है। और वो बस स्विमिंग पूल जा रहा था, मुझे नजर नहीं आया भाई, जैसे हालात हो चुके हैं मेरे। आपको खाना मिले तो मेरे पानी कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेश मिलेगी, और हमारे भाई कतरीना क्या पागल नहीं थी, वो आम वाली जूस के साथ ऐसी ऐसी वीडियो बना रही थी, बहुत मजा आता है। आए जी आओ राजी, दाल वाला, चिप्स वाला, पापड़ वाला, चने वाला, रेवड़ी वाला, ये वाला
क्या हाल है, क्या नाम है भाई? चमन। चमन अली सिंगर, कोयटा से, कोयटा वाला चमन आपने देखा होगा, ये सिंध वाला चमन है भाई। चमन नहीं है, चमन भाई। क्या क्या है जो मैंने बताया? क्या खाना भाई? क्या खाना? सब कुछ है। आपने क्या खाना है? आप हमें दाल मोट खिला दे। दाल बाबा दिया 20 रुपए दिया, माशाल्लाह। वाह जी वाह। I want order something please. I am here. मैं ना वेजिटेरियन हूँ। इसका जवाब दूँ? नहीं। रैक साउंड चेक करें। सामने 214 डॉट का क्रॉस आ गया फुलजी स्टेशन पे। अच्छा हो गया क्रॉस इधर ही आ गया। मैंने कुछ अर्सा पहले रिजवान ताहिर साहब की वीडियो देखी थी, 2.5 घंटे का क्रॉस था वो बुलान के साथ। सामने 214 डाउन की लाइट्स भी अपेयर हो गई हैं। जीएमसी वो चलते हैं इन ट्रैक्स पे, देखते हैं उसके साथ क्या है। सो दो दिन में मुझे RG20 के साथ ट्रैवल करना नहीं नसीब हुआ और फाइनली यहाँ पे 214 डाउन के साथ आ गया। 5115 आई थिंक। ये अगर हमें मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, पर क्या करें। अपनी कोच में चलते हैं। यासर खान साहब के बिल्कुल सामने RG20 खड़ा है। सिग्नल डाउन हो गया इसका और पता ही नहीं चला मेरी गाड़ी डिपार्ट कर रही है। यहाँ मिसल की आवाज नहीं आई। माशाल्लाह काफी सारा बड़ा गोश्त। छोटे छोटे स्टेशन हैं और सब पे स्टॉप है। अब आगे पियारो गोट है और वहां पर स्टॉप आया। मेला लगा हुआ सामने, गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगा हुआ है। सामने पियारो गोट स्टेशन है, यहाँ पे भी अच्छा खासा रश है। जैसे जैसे गाड़ी रोड़ी की तरफ जाती जा रही है रश बढ़ता जा रहा है। वो भाग के गया कुछ चीज लेने। ओ लो विसल हो गया और प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, ऐसे सवार कैसे होना। ओ चल पड़ी। ये टूटे फूटे प्लेटफॉर्म से मैंने
गाड़ी पे कैसे जाना है? ये प्लेटफॉर्म का हाल है। सामने बिल्डिंग है प्लेटफॉर्म की एंट्रेंस और एग्जिट, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्यारो गोट यानी प्यारा गांव। समोसे, एक और रेल फैन भाई। रहमानी नगर पे एंटर हो रही है ट्रेन। छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे लाहौर के सराउंडिंग में बदामी बाग है, मिशन कादर है, लेकिन वहाँ पे भी आबादी है, इसलिए स्टॉप्स हैं। यहाँ पे भी उबले अंडे आपको नजर आएंगे सामने, और हैरान भी है, गर्मी भी है। बालीशाह प्लेटफॉर्म बहुत दूर है। विशाल हो गया नहीं आया, हमने भी पता। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, गाड़ी लंबी है। आहा, ओलो विशल हो गया और प्लेटफॉर्म फिर आ गया। जितने देर में मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचता हूँ, गाड़ी मूव होने लग जाती है। डर ही लगा रहा था कि भाई थले ना रह जाए। अखीर किस्म की सुस्ती पड़ी हुई थी, थकावट भी हो रही है, और क्योंकि मौसम भी बड़ा अजीब सा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, हल्का सा पसीना है, और क्या करें। लेकिन ये बहुत टफ किस्म की ब्रांच लाइन है। अगर आप रोड़ी से कोटरी इस पे सफर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप बड़े हौसले वाले बंदे होंगे। हैं, तुमने भी आना है? ठीक है भाई, कहता है मुझे भी लाओ ना, मैं कहा जा फिर। और बार बार मैं कहूंगा कि अभी फरवरी है, 16 फरवरी है, ये 16 मार्च तक जो है ना इधर पसीना निकल जाने, बड़े बुरे हाल हो जाने हैं। डस्ट आ रही है। जिस किस्म की डस्ट पड़ रही है आगे, लास्ट ऑप्शन यही थी, मास्क नहीं मिला, और बिकॉज खाना खाया हुए मिट्टी खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सनफ्लाई स्कैलम और 500 mg 650 mg खानी पड़े ना, तो डार्क सर्कल और बुरे आप पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो फिलहाल मुंह बचाओ, अजरक को अपनाओ, सिंध में अजरक इसीलिए सबसे ज़्यादा चलता है। तो आप भी एटलीस्ट अगर इस गाड़ी पे सफ़र करें तो अपनी सेफ्टी पहले करें, वरना हालात बहुत ख़राब होंगे। डस्ट, गर्मी और स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है, बड़ी लंबी ब्रांच लाइन है।